अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अतीबुर रहमान फ्रॉम अनदर एपिसोड ऑफ कंस्ट्रक्शन अपडेट। नाज़रीन, मुल्की हालात की वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखी जा रही है मुल्क में और कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में भी। तो इस हवाले से हम सफदर भाई से आज बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर क्या फ़र्क पड़ा है, पहले क्या रेट्स थे मटेरियल्स के और अब क्या रेट हैं। अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सफदर भाई, हमें ये बताएं कि इस्लाम स्टेट एंड ड्रीम्स नेक्स्ट पहले, आज से 3 महीने पहले कितने पर स्क्वायर फिट पर कंस्ट्रक्शन करके दे रहा था और अब क्या रेट्स हैं? जज़ाकअल्लाह अदीब भाई। अदीब भाई, अगर हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें तो डीएक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज जितने भी पहले एग्रीमेंट हुए हैं आज से 3 माह पहले, तकरीबन 38 से लेके 4200 तक जो है ना वो रेट्स थे। लेकिन अभी आज की अगर हम बात करते हैं तो जो आज के रेट हैं वो 5200 से लेके 5500 5600, जिस तरीके की हम टेबल टॉक के ऊपर जो चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह का मटेरियल होगा और क्लाइंट की क्या विशेज़ हैं, तो फिर जो रेट्स हैं वो उसी तरीके से, मतलब तकरीबन कोई 1500 से 1600 पर स्क्वायर फिट का फ़र्क आया। जी बिल्कुल ऐसे ही सही है। और टाइल्स के हवाले से बताएं और बाकी जो भी मटेरियल यूज़ होता है सीमेंट के हवाले से, उसमें कितना फ़र्क आया है? सर, जैसे जैसे डॉलर जो है ना वो उसने छलांग लगाई है ना, उसी तरीके से सारी चीज़ें जो है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें कंस्ट्रक्शन की वो इंपोर्ट होती हैं, जिसके अंदर आप पीवीसी ले लें, जिसके अंदर आप रॉ मटेरियल जिस तरह केबल्स का आ जाता है, टाइल्स आ जाती हैं और ये सारी चीज़ें जो है। और अगर सैनिटरी की तरफ जाते हैं तो मैं शुरू करता हूँ, बहुत सारी आइटम्स हैं लेकिन मैं कुछ चीदा चीदा आइटम, आप स्टील को देख लें, स्टील जो है वो 185 रुपये पर केजी था, लेकिन अभी 220-225 रुपए का रेट जो है आज 200, इसी तरीके से जो है इसके अंदर उतार चढ़ाव, जिस तरह से डॉलर ऊपर गया और कीमतें ऊपर गई, जिस तरह से नीचे इसी तरीके से। अगर हम टाइल की तरफ जाते हैं तो 1400 जो है वो स्क्वायर मीटर आपको टाइल मिलती थी, लेकिन अभी 1600-1700 का रेट है। और इसी तरीके से अगर हम जाते हैं सैनिटरी के हवाले से या प्लम्बिंग के, सैनिटरी पोर्टा का या सोनेक्स का कोई भी सामान लेते थे जो हमें यहाँ पे एक इसके बेसन वगैरह या फिर कुमोड वगैरह की बात, जो 10,000 की चीज़ थी वो अभी 15-16-17,000 तक उसके रेट जो है ना वो जा चुके हैं। प्लम्बिंग के जो टैब आपको तब पर यूनिट के हिसाब से अगर 2500 रुपए की या 2600 की जो मिलती थी वो अभी जो है वो 3500-4000 की जो है उसका रेट जा चुका है। और अब हम फिर वायर की तरफ जाते हैं तो वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी चीज़ें अप्लायंस हैं उनके अंदर भी यही चीज़ हुई है। और ब्लॉक है, ब्लॉक पहले जो है वो तकरीबन कोई 32-33 तक का उसका ब्लॉक का रेट था, लेकिन अभी वही आपको 45 तक। सैंड की तरफ जाते हैं, रेती की तरफ जाते हैं, सबके रेट जो है वो डबल हो गए हैं। पहले वो एक ही ट्रक आपको कोई 300 क्यूबिक फिट की कोई ट्राली वगैरह वो आपको अगर 10,000 की मिलती थी तो अब वो 17-18,000 पे जो वो चली गई। ज़्यादातर मसला इस वजह से भी मेरे ख्याल में हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, मतलब 80% तो चीज़ें मेरे ख्याल में हम लोग इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से भी हम लोग यहाँ पे कुछ लोकल नहीं बना रहे, सवाए हम लोग जो रेत है उसके अलावा और जो हमारे पास ब्लॉक आ जाता है उसके अलावा अब सारी चीज़ें हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। जी बिल्कुल, इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्योंकि जितना भी रॉ मटेरियल है ये हमें इम्पोर्ट करना ही पड़ता है। और अगर आप रेत की तरफ भी जाते हैं ये तो एक उस अहमियत के हामिल नहीं है, और जिस क्वालिटी की हम बात करते हैं, अगर क्वालिटी की चीज़ बनानी है तो जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मॉडिफिकेशन होती है और उनको जो है वो यहाँ पे बनाया जाता है, लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर हमें रेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पे करना ही पड़ेगा। अफदर भाई, आपको भी काफ़ी क्लाइंट्स की कॉल्स आती होंगी, मुझे भी आती हैं, वो ये पूछते हैं कि आप ये रेट दे रहे हैं जबकि मार्केट में हमें इससे कम का भी रेट मिल रहा है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि मार्केट में एक दो हादसा इस तरह के हो चुके हैं कि लोग कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लेते हैं कम पैसों में लेकिन बाद में उसके क्लाइंट तंग होता है, अगर कोई ओवरसीज़ भी है तो वो यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे ऑन ग्राउंड कुछ होता नहीं है, तो उस हवाले से आप क्लाइंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, ये एक दो जो आपने लफ्ज़ बोला ये कुछ भी नहीं है, आप हंड्रेड्स की तादाद में अगर बात करेंगे, बैरे के हेड ऑफिस चले जाएँ और यहाँ पर जितनी भी कम्यूनिटी बनी है वहाँ पर चले जाएँ, तो हर अगर 10 कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसके अंदर से 3 केसेज ऐसे हैं जो कि डिस्प्यूटेड है, और हर बंदा यही गिला करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बिल्डर जो है वो कोई बेसमेंट पे छोड़ के जा रहा है, कोई उसको जो है वो पहली छत पे छोड़ के जा रहा है, कोई उसकी खाली स्ट्रक्चर बना के उसका छोड़ के जा रहा है, कोई भी किसी को कंप्लीट नहीं कर रहा। वो उसकी वजह यही है कि उन्होंने कम पैसों में कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा हुआ है और अब वो कीमतें बढ़ने की वजह से उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसा भी है और कुछ ये भी इसके अंदर जो देखने में आया कि खाली वो सिर्फ एग्रीमेंट करते हैं और उसके बाद जब तक
उनको उसके अंदर से एक अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है तब तक वो उसके साथ चलते हैं, लेकिन जब उनको पता चल जाता है कि इसके अंदर से फ़ायदा मिलने वाला नहीं है तो वो फिर वहाँ से जो है वो स्किप कर जाते हैं। ठीक है सफदर भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। जज़ाकअल्लाह। जी नाज़रीन, आज की कंस्ट्रक्शन अपडेट में हमने इन्फ्लेशन रेट्स के हवाले से जो मार्केट पर असर पड़ा है और कम रेट्स अगर आपको कहीं से मिलते हैं उस हवाले से आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप अपनी प्रॉपर वर्किंग करें, आप देखें, आप बिल्डर के बारे में जानें, फेसबुक पे देखें, यूट्यूब पे देखें। इस्लाम स्टेट एंड ड्रीम्स नेक्स्ट ने बहुत सारे विलास जो हैं वो हैंड ओवर भी किए हैं, उसकी वीडियोज़ भी फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स पे हमारे मौजूद हैं। आप ऑन ग्राउंड आकर हमारे विलास जो अवेलेबल हैं यहाँ पर जिनका विजिट हो सकता है आप उनको आके उनकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं और जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं आप उनको भी देख सकते हैं। तो कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आप मेक श्योर कीजिए कि जो बिल्डर है वो रिलायबल है या नहीं। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।